वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल द लेडी पार्ट। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज, मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको हेयर केयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे बालों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो अनियन है, आज मैं अनियन के बारे में बात करने वाली हूँ। अनियन को मैं हर तरह से अपने हेयर केयर रूटीन में ट्राई कर चुकी हूँ। अनियन हेयर मास्क में ट्राई कर चुकी हूँ। अनियन को मैं हेयर ऑयल में मिक्स करके ट्राई कर चुकी हूँ। सो सब कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अनियन का, अगर आप बालों में यूज़ करते हैं। लेकिन जो हेयर होम रेमेडीज़ बनाते हैं उसमें जो टाइम लगता है, प्रिपरेशन टाइम होता है, वो हर किसी के पास नहीं होता है। तो मैं आज अनियन हेयर मास्क यूज करने वाली हूँ, मार्केट का अनियन हेयर मास्क। और आज मैं चेक करूंगी कि कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है मार्केट का अनियन हेयर मास्क एज कम्पेयर टू घर वाला जो हमारा बेसिक अनियन हेयर मास्क होता है। बिकॉज मैं जानती हूँ कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी मार्केट वाला अनियन हेयर मास्क या ऐसे हेयर मास्क ट्राई नहीं किए होंगे। मॉड वेलनेस का मैं ब्रांड यूज करने वाली हूँ आज। मॉड वेलनेस जो होता है वो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इनका जो हेयर मास्क है वो 100% आयुर्वेदिक है। 100% प्योर इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे पैराबीन, SLS, इस तरह के केमिकल फ्री मास्क हम लोग आज ट्राई करेंगे। तो एक बार ही ट्राई करते हैं, अगर काम कर जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव करने वाला है। तो ये क्लेम करता है कि जो फ्रिज फ्री हेयर होते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल फ्रिज हो रहे हैं, थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, इसको रिमूव करता है और आपको सॉफ्ट और स्मूथ बाल देता है। तो लेट्स चेक इट आउट कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। सो फ्रेंड्स, आई एम रेडी फॉर अप्लाइंग द मास्क। अभी मैंने अपने बालों को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है एंड मैं मास्क अपना ओपन कर रही हूँ। आई विल बी यूजिंग इट वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा जो रिव्यू होगा बिल्कुल जेन्युइन होने वाला है। एंड आपको करना क्या है, अपने बालों को सब सेक्शंस में डिवाइड करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, आपके बालों के सारे कॉर्नर्स पे, बालों की जितने पोर्शंस हैं वहाँ पे मास्क जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है, उसकी एप्लीकेशन अच्छे से होती है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा अपने बालों को गीला कर सकते हैं, उससे क्या होगा जो मास्क की एप्लीकेशन है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो मेरे बालों में थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोडक्ट लगता है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट आपके बालों के लिए चाहिए होगा आपको। सो जब एक बार लेंथ में अप्लाई हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा रूट्स में भी लगा सकते हैं। एक तरफ एप्लीकेशन मेरी कंप्लीट हो गई है, इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी अप्लाई करना है इसको। सो इस प्रोडक्ट की बेस्ट बात यह है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो ये आपके बालों को अच्छे से रनिशमेंट करने वाला है। मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी रूट्स में मैं इसको इस तरह से मसाज कर रही हूँ जिससे मेरे बालों को अच्छे से पूरा नरिशमेंट मिल जाए। तो एक बार एप्लीकेशन के बाद में आपको इसको 30 से 45 मिनट्स आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से हम इसको हेयर वॉश कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको इस तरह से मसाज कर लिया है अपने बालों में जिससे अच्छी तरह से रूट्स में ये अप्लाई हो जाएगा और अच्छे से नरिशमेंट देगा। अभी बहुत सही से ड्राई हो गया है, यू कैन सी अच्छे से ड्राई हो गया है एंड वॉश कर लिया है। मैं इसे टॉवल ड्राई कर रही हूँ, मैं इसको हेयर ड्रायर यूज़ ना करके टॉवल ड्राई करूँगी। एंड अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट कि ये कैसा। सो फ्रेंड्स, मैंने हेयर वॉश करके टॉवल ड्राई करके अपने बाल को सुखा लिया है एंड आई विल बी शोइंग यू द रिज़ल्ट एंड वॉट वॉज माई एक्सपीरियंस। यू कैन सी कि मेरे बाल जो हैं वो सुपर स्मूथ लग रहे हैं, बिल्कुल टेंगल फ्री हैं एंड आई जस्ट लव द रिज़ल्ट सो मच। इवन जो मैं घर पे बना के होम रेमेडी वाला हेयर मास्क भी लगाती हूँ तो मेरे बाल इतने सुंदर नहीं लगते हैं जितने सुंदर मेरे बाल अभी इस अनियन हेयर मास्क को लगा के लग रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितने सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ मेरे बाल यहाँ लग रहे हैं। कोई भी फ्रिज नहीं है, फ्रिजीनेस बालों में नहीं है और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बालों में स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कुछ कराया हुआ है। तो मैं आपको एक बार अपने बालों का ब्यूटी शॉट दे देती हूँ। और अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है, आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके परचेजिंग लिंक ले सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा मेरा रिव्यू, आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई एम जस्ट लविंग माय हेयर्स नाउ।